दिल्ली शराब घोटाले में तीसरी बार समन मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली के सीएम को बुधवार को पेश होना था, लेकिन लिखित तौर पर अपना जवाब भेज दिया। केजरीवाल ने ईडी के सामने हाजिर नहीं होने की कई वजह बताई। ईडी को भेजे गए जवाब में केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक होने के नाते मैं इसमें व्यस्त हूँ, वहीं मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारियों में भी लगा हूँ, लेकिन अगर आप कोई सवालों की फेरिस्त भेजना चाहें तो मैं उसका जवाब दूंगा। सीएम केजरीवाल ने ईडी को दिए जवाब में और क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं हैरान हूँ कि आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के समन से मिलता जुलता समन फिर भेज दिया। मैं ये मानता हूँ कि आपके पास इन समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूँ। आपकी चुप्पी निहित स्वार्थ की पुष्टि करती है। मैं कई ऐसे मामले जानता हूँ जिसमें समन पाने वाले व्यक्ति के पूछने पर प्रवर्तन निदेशालय ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। मैं फिर से आपसे मांग करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दें ताकि मैं जांच की मंशा दायरे को ठीक से समझ सकूं। हर बार समन मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं, इससे सवाल उठते हैं कि इस समन का उद्देश्य कोई जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक के नाते मैं इसमें व्यस्त हूं। दिल्ली का सीएम होने के नाते 26 जनवरी की तैयारियों में भी लगा हूं। लेकिन अगर आप कोई सवालों की फेरिस्त भेजना चाहें तो मैं जवाब दूंगा।